उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, शुक्रिया। नंबर 8, सुकून। सुकून एक गैर मामूली तौर पर लिखा गया ड्रामा है जिसमें पाकिस्तान के सबसे प्यारे अदाकार शामिल हैं। कहानी से पता चलता है कि किस तरह ऐना की बेगुनाही से फ़ायदा उठाया जाता है और कैसे रजा के गैर संजीदा रवैये का इसके आसपास की मुतअद्दी जिंदगियों पर देरपा असर पड़ता है। इसके बावजूद ये किस्मत की तरफ इशारा करता है कि वो दो लोगों को इकट्ठा करेगी जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इनके रास्ते ऐसे हालात में गुजर जाएंगे। सना जावेद ने ऐना की तस्वीर कशी की है, एक शर्मीली सादा और ख़ानदानी लड़की जो अपनी बेपनाह खूबसूरती से बेखबर है। खाकान शाहनवाज ने रजा का किरदार अदा किया है, एहसन खान हमदान का किरदार निभा रहे हैं। रजा और ऐना एक शादी में मिलते हैं और फौरी तौर पर मोहब्बत करने लगते हैं। तहम जब ऐना को रजा की हकीकी शख्सियत का पता चलता है तो इनके ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। हमदान और ऐना के रास्ते इंतहाई गैर मतवक्के तरीके से गुजरते हैं और वो अपनी सूरत हाल से बेहतरीन फ़ायदा उठाते हैं। नंबर 7, जाने जहां। जाने जहां ड्रामा शहराम और माहनूर के सफ़र के गिर्द घूमता है जो मुख्तलिफ समाजी तबकात से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके इख्तलाफात के अलावा ये दो रूहों की कहानी है जिनका मकसद एक साथ होना है। शहराम, जिसका किरदार हमजा अली अब्बासी ने अदा किया है, वो अपने गांव के एक बाअसर शख्स का बेटा है। मुआशरे में अपने बाअसर मकाम के बावजूद वो एक फरमाबरदार, इज्जतदार और महज़ब इंसान है। शहराम ने बचपन में अपनी माँ को खो दिया और इसकी परवरिश इसकी सुतेली माँ ने की, जो खुफिया तौर पर इससे हसद करती है। इसके अलावा इसने छोटे सुतेले भाइयों को भी ख़राब किया है जो इसके साथ दुश्मनी करते हैं। दूसरी तरफ माहनूर एक मतवसत तबके की बहादुर लड़की है। सही काम के लिए खड़े होने पर वो किसी से नहीं डरती। इसकी खूबसूरती, सादगी और खालस दिल शहराम को अपनी तरह मतवज्जो करता है। नंबर 6, मैं दो मजबूत सर वाले अफराद की एक ड्रामाई कहानी है जो ख़ानदानी और मुआशरती दबाव का सामना करते हुए मोहब्बत में बदकिस्मत होने की वजह से रास्ते अबूर करते हैं। वहाज अली बतौर जैद एक बिजनेसमैन का बेटा है जो पुरतश ज़िंदगी गुजारता है और ज़िंदगी के हर शोबे में अपने वाली से मंजूरी हासिल करने के लिए जद्दोजहद करता है क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को संभाल रहा है। आयजा खान बाहैसियत मुबशरा एक ज़िद्दी और लाड प्यार करने वाली बेटी है जो अपना रास्ता निकालने की आदी है, लेकिन एक बुरे फैसले के बाद किस्मत इसे हकीकत में वापस ले आती है। जब बात मोहब्बत की हो तो हर कोई खुशकिस्मत नहीं होता। कुछ लोग मुत्तहिद होने के लिए जद्दोजहद कर सकते हैं, लेकिन आखिर में क्या मोहब्बत समाजी हैसियत पर फतेह हासिल कर पाएगी? नंबर 5, खुमार। खुमार एक लाजवाल मोहब्बत की कहानी है जो मुआशरती तबकाती इख्तलाफात से पैदा होने वाले चैलेंजेस और इनसे पैदा होने वाली नेगेटिविटी को तलाश करती है। खुमार मुआशरती तवक्कुआत और चैलेंजेस के सामने मोहब्बत की पेचीदगियों को तलाश करती है। फाइस और हरीम मुख्तलिफ पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले दो अफराद अपनी ज़िंदगियों को तकदीर से जुड़े हुए पाते हैं। फाइस एक मतमूल घराने में पैदा हुआ हरीम से बिल्कुल मुख्तलिफ है जो एक निचले मतवसत तबके के पस मंज़र से ताल्लुक़ रखती है। इनके इख्तलाफात के बावजूद किस्मत इनके रास्ते एक साथ बांधती है। हरीम अपने भाई रूफी की तालीमी ज़रूरियात और अपनी वालिदा के तिब्बी अखराजात के दरमियान पूरी तंदही से काम कर रही है। इसे मुतअद्दिद रुकावटों का सामना है। अपनी जद्दोजहद के दरमियान फाइज रूफी का एक दोस्त खामोशी से इनकी माली मदद करता है और हत्ता के हरीम के लिए काम भी लेता है, हालांकि वो होशियारी से काम लेता है। नंबर 4, नमक हराम। वफादारी और बढ़ती हुई दुश्मनी की एक दिल फरेब कहानी जो बदले की आग में जलती है। नमक हराम मुरीद के सफ़र के गिर्द घूमती है क्योंकि इसकी ज़िंदगी इसके ख़ानदान के इंतकाम से तशकील पाती है। इसका मिजाज बढ़ते हुए तनाव और नफ़रत का बास बनता है। जैसा कि ड्रामा एक ख़ानदान के माजी और हाल में झांकता है, मुजहिका खेज हकीकत
आसपास के हर फर्द की जिंदगियों के लिए नफरत का गहवारा बन जाती है। इसे सकलैन अब्बास ने लिखा है, शकील खान ने इसे डायरेक्ट किया है और फारिस इंटरटेनमेंट ने इस ड्रामे को प्रोड्यूस किया है। इस ड्रामे की मरकजी कास्ट में इमरान अशरफ, सारा खान, बाबर अली और सुनीता मार्शल शामिल हैं। नंबर 3, खई। कहानी एक इंतकामी कहानी है जो खई की कदीम रवायत के पस मंज़र में सामने आती है, जहां दुश्मन के ख़ानदान के मर्द अरकान को इनके नसब के तसलसल को रोकने के लिए ख़त्म कर दिया जाता है। इस पुराने इंतकाम के मरकज़ में दरवेश खान, दुराब खान और इसका बेटा चिनार खान है। दरवेश खान अपने वालिद के दुराब खान के हाथों कत्ल से परेशान है। एक पुरअमन ज़िंदगी की तलाश में दरवेश का मकसद नस्ल दर नस्ल दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए जंग बंदी करना है। तहम शकूक पैदा होते हैं और दुराब खान और इसका बेटा चिनार खान अमन के लिए दरवेश के इरादों पर शक करते हैं। दरवेश की हकीकी कोशिशों के बावजूद अमन का पैगाम देने वाले एक मेहरबान इंसान दरवेश के घर पर एक जश्न के दौरान वाकयात का एक अलमनाक मोड़ सामने आता है, जिससे जमदा और इसके ख़ानदान के लिए बेपनाह तकलीफ होती है। क्या जमदा अपने दुश्मनों के सामने झुक जाएगी? अगर नहीं तो क्या जमदा अपने ख़ानदानी मुजरमों से बदला ले सकेगी? क्या जमदा को अपने सफ़र में इत्तहादी मिलेंगे या वो तन्हा अपने दुश्मनों का सामना करेगी? इसे सकलैन अब्बास ने लिखा है और सैयद वजाहत हुसैन ने इस ड्रामे को डायरेक्ट किया है। नंबर 2, राहे जुनून। राहे जुनून गैर मुतजलजल जज्बे और गैर मुतजलजल अज़म की एक वलवला अंगेज़ कहानी है, जहां जवानी के जोशो जज्बे की कोई हद नहीं है। इसके दिल में शबरेज़ है, जिसका अनथक जज्बा कहानी को आगे बढ़ाता है। वो एक ऐसा आदमी है जो अपनी महबूबा महर को जीतने के लिए इंतहाई हद तक चला जाता है। शबरेज़ की महर से मोहब्बत इतनी गहरी है कि वो मोहब्बत के हुसूल में नाकाबले तसव्वुर काम करने को तैयार है। कहानी एक शदीद गैर मुतजलजल मोहब्बत की खोज के तौर पर सामने आती है, जो तमाम रुकावटों और कन्वेंशनों को मुस्तर्द करती है, क्योंकि शबरेज किसी भी तरह से इसे अपना बनाने की कोशिशों में पुरअज़म है। नंबर 1, इश्क मुर्शद। इश्क मुर्शद की कहानी मुख्तलिफ पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले दो अफराद के गिर्द घूमती है, जिन्हें तकदीर ने एक साथ लाया है, क्योंकि इन्हें मोहब्बत के नाम पर लातादाद चैलेंजेस का सामना है। सियासत, दुश्मनी, जोशो खरोश और इबहाम से भरी दास्तान, ये ताकत की कशमकश, ज़ाती इंतकाम और पेचीदा साजिशों के एक पेचीदा जाल में ढलती है। ड्रामा जज्बात, दिमागी साजिशों और राजों के हमेशा से मौजूद खुफिया वाक़ियात की एक दिलकश कहानी का वादा करता है। इस ड्रामे को अब्दुल खाली खान ने लिखा है, फारूक रिंद ने इसे डायरेक्ट किया है और मोमल प्रोडक्शंस ने इसे प्रोड्यूस किया है। इस ड्रामे की मरकजी कास्ट में बिलाल अब्बास खान, दुर्रेफशा सलीम, उमैर राना, नूरुल हसन, सलमा हसन और साजिद शाह शामिल हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। शुक्रिया।